जो हमारा इसका पहले का जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 13, और उस लेक्चर 13 में हमने क्या किया था, आपको लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कराया था। और इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें मैंने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका डायरेक्शन किस तरफ होता है, इन सबके बारे में मैंने क्या कर दिया था, डिस्कस करे थे। इसके बाद लेक्चर नंबर 13 में इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स करवाया था जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम था। और उसको करवाने के बाद बच्चों आज लेक्चर नंबर जो 14 है, यानी कि जो लेक्चर नंबर 14 है, इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो क्या करिए इसको अच्छे समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस कर्व क्या होती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, तो ये सब कॉन्सेप्ट क्या होगा आज आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए क्या करना है कि आपको इस वीडियो को बिल्कुल स्टार्ट से लेकर लास्ट तक देखना है, जिससे आप कभी भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर या कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना बन पाए, ठीक है। तो प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड, एंड इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो क्या करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे गेन हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो स्टूडेंट, आज आप लोगों को बात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में हुआ क्या था बच्चों, इसको अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी में तो इसको हम लोग बोलते थे पहले बहुत समय पे वैद्युत बल रेखाएं, इसको पहले बोला जाता था इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। क्या बोलते थे इसको हम, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ठीक है। बट कुछ समय के बाद क्या होगा, माइकल फैराडे जी आए और माइकल फैराडे ने बोला कि ये एक्चुअली इसको आप इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस मत बोलिए। तो फैराडे ने क्या कर दिया, फैराडे ने, मैं यहां पर राइट कर दे रहा हूं, तो फैराडे ने क्या कर दिया, फोर्स के स्थान पर क्या ला दिया, फील्ड ला दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है इसको साइड में हम बोलते हैं ईएफएल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम बोलते हैं साइड में ईएफएल। तो अगर अब आपसे ईएफएल के बारे में कहा जाएगा तो आप सिंपल से जान जाएंगे क्या, किसके बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये होता क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, एक्चुअली में जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैंने आपसे इसके पहले के लेक्चर में बताया था कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन अगर आप प्लस चार्ज की वजह से लेना चाहते हैं तो प्लस चार्ज की वजह से बाहर की ओर होता था और माइनस चार्ज के होने की वजह से कहां होता था, अंदर की ओर होता था। तो ये सब कॉन्सेप्ट, ये एक्चुअली कैसे आया था वो चीज आपको पता चलेगा कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। एक्चुअली में होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आई बात, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी जो दिशा पता की जाती है वो किसके हेल्प से पता की जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो दीज आर लाइंस विच रिप्रेजेंट द, क्या प्रेजेंट कर सकते हैं, दीज आर लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, these are lines which represent the direction of electric field। ये वो लाइन होती है जो करते क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ओके बच्चों, तो आपके दिमाग में पहले बात चलना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये वो लाइंस हैं जो क्या करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। और इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये बच्चों, एंड इट इज इमेजिनरी लाइंस, यानी कि इसको आप रियलिटी में आप नहीं देख सकते हैं। अगर मैं बोलूंगा यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही है, उसको आप देखिए तो आप नहीं देख पाओगे। जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्चुअली में होती क्या है बच्चों, वो एक प्रकार की इमेजिनरी लाइन होती हैं, देखा नहीं जा सकता है, काल्पनिक होता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है, काल्पनिक है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, वो कभी भी रियल लाइन नहीं होती है, ऑलवेज कैसा होगा, इमेजिनरी लाइन। तो दीज आर लाइन, या कह सकते दीज आर इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो लाइन होती है ये इमेजिनरी होती हैं और इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। और वो डायरेक्शन कैसे हम
क्लियर कर पाते हैं, कैसे डिसाइड कर पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, और ये क्या करती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगेन रिकॉल कर दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है वो कैसी लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, और किसको रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन को, किसके डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट करती है। तो नाउ डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हमारी प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से, उसको हम समझा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कितनी प्रॉपर्टी है जो आपको मैं बता रहा हूं बहुत इजी वर्ड में, तो उसको आप समझिए ध्यान से, ठीक है। बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है हम लोग को, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है, ऊपर ही नहीं घूमना है, जिससे आपको एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वो भी आना स्टार्ट हो जाए, दिक्कत ना जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में है सब क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है बच्चों, ओके। जो पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की ये होती क्या है कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है यहां से निकलती है, यहां से क्या होगा, ये निकलेंगी, और जो माइनस चार्ज होता है वहां से निकलती नहीं है, माइनस चार्ज के अंदर और टर्मिनेट होती है, माइनस चार्ज में क्या होगा, जाएंगी, और पॉजिटिव चार्ज से क्या होती है, बाहर निकलती है। तो इट ओरिजिनेट, इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आया, यानी कि अगर मैं यहां पे पॉजिटिव चार्ज बना दूं, यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज हमारा हो गया, और ये कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो ये करते क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारा जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज से कहां निकलती है, बाहर क्यों निकलती है, लेकिन अगर मैं माइनस चार्ज की बात कर दूं तो माइनस चार्ज में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो बाहर नहीं निकलता है, वो अंदर आता है। वो क्या आता है बच्चों, अंदर आता है, ठीक है। तो ध्यान समझ लीजिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और इसमें क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है। तो अब सोचो ध्यान से पहले दिमाग में कि अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रहा है तो ये करते क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है, उसकी दिशा कौन बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अगर ये बाहर जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करोगे तो भी क्या हो जाएगा, बाहर की ओर होगा। और यहां पे मैं बनाता हूं, और यहां पे देखिए ध्यान से, ये पॉजिटिव मैंने बना दिया, यहां पे क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। तो देखो पॉजिटिव चार्ज से क्या हो रही है, निकल रही है, अमानस में क्या करती है, ये अंदर जाती है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये देखो ये ऐसे, ठीक है, ओके। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या निकलती है, बाहर निकलती है, माइनस चार्ज में क्या होती है बच्चों, अंदर प्रवेश करती है। तो पहली प्रॉपर्टी है कि इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इन नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, अंदर प्रवेश करती है, ओके। तो इसको नोट करें फर्स्ट, और लेट अस स्टार्ट सेकंड, ओके। सेकंड
सेकेंड इट इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं किसको शो करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती हैं। तो बहुत इजी था, पॉजिटिव तरह से बाहर, नेगेटिव तरह से क्या होता अंदर आ रहा था। थर्ड ये प्रॉपर्टी है बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कॉन्टिन्यूअस कर्व। और बच्चों ये एनसीईआरटी में का क्वेश्चन है, ठीक है। ये एनसीईआरटी में पूछा जाता था कि व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेक्स अ कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक्सप्लेन करो। बात समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारी क्या होती है, एक कंटिन्यूअस कर्व होती है, एनसीईआरटी में पूछा गया था। अब ये होती क्यों है, ध्यान समझिए। देखो आपके पास मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज, सपोज दैट, तो अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल गया, मान लीजिए इस तरीके से निकल गया ना। तो अब बताओ ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अच्छा, इसके अराउंड में क्या पैदा हुआ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो ही गया होगा आराम से, क्लियर तो है इतना बात। तो अब मान लो कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये ऐसे ब्रेक हो गया यहां पे ना, ब्रेक हो गया, नहीं ब्रेक हुआ यहां पे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक हो गया। तो अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ब्रेक है, इसका मतलब यह कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सॉरी, जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज की वजह से, यहां पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। आप इसमें कहीं पर भी जाएंगे इस रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये पूरा बना है, रीजन ये पूरा बना दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम क्यों ना हो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। अगर कहीं पर कट गया ना, कटने का मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कट गया, इसका मतलब वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमारी कंटिन्यूअस होती है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, आप क्या बताएंगे, अगर डिसकंटिन्यूअस कर्व होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे नहीं है, जो कि संभव नहीं होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए इसको, थर्ड हो गया, फोर्थ प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट मेक अ क्लोज लूप, यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कभी क्लोज लूप नहीं बनाती है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती है, उसके पीछे का राज समझ लीजिए ध्यान से। अब ऐसा हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखो ऐसे क्लोज लूप का मतलब क्या होता है कि यहां से चले वहीं पे ऐसे पहुंच जाए, इस तरीके से। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी ऐसा नहीं होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी ऐसा नहीं होता है। समझ में आई बात, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं पता, देखो यहां पे ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे निकल रही है। अब आप कह रहे हो कि ये लूप बनाएगा, क्लोज लूप, लो यहीं पे आ गया, तो ये निकल गया, फिर यहां पे क्या हो गया, बैक हो गया ना, बैक हो गया। तो अब देखो ध्यान से, आप अपने क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि कभी भी पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर नहीं जाती है, पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी अंदर नहीं जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव के अंदर जाएंगी, कैसे क्लोज लूप बनाएगी, देखो यहां पे पॉजिटिव से निकल के क्या हो गया, अंदर जा रहा है ना, तो अंदर जाना मना है। पॉजिटिव चार्ज कहता है कि आप कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हमारे अंदर प्रवेश नहीं करा सकते हो। तो यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है कभी क्लोज लूप नहीं बना सकती, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाती है। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, डू नॉट मेक्स अ क्लोज लूप। व्हाई, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेक्स अ क्लोज लूप, इट्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन
ऑल्सो इंटर्स इन पॉजिटिव चार्ज, मीन्स पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट भी होंगे और टर्मिनेट भी उसी में होंगे, जो कि संभव नहीं होता। बच्चा निकल तो जाएगा लेकिन कभी उसमें अंदर फिर नहीं आता है, तो इसलिए क्या होते इलेक्ट्रिक लिंक का क्लोज लूप नहीं बना सकते। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं हो सकता और एक यहां पे चला जाए, क्यों नहीं होता है उसको भी मैं समझा रहा हूं। ठीक है, देखो देखो वो जो मानी मानी काट कर दिया, ठीक है, ऐसा सपोज कर लीजिए कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कट हो गई। अब मैं आपसे बोलूंगा यहां बताओ कि यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पे उसकी दिशा कितनी है, तो आपको अभी तक पता नहीं चल रहा है। एक फील्ड लाइन ऐसे भी जा रही है और एक फील्ड लाइन ऐसे भी जा रही है, तो यहां पर डिसाइड नहीं कर पा रहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी दिशा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की एक ही दिशा होती है, दो दिशा कभी नहीं होगा। किसी भी पॉइंट पे अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को चेक करना चाहते हैं, डायरेक्शन को चेक करना चाहते हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा एक ही होगा, एक ही, दो पॉसिबल नहीं हो सकता, जबकि यहां पे क्या है दो दिशा है। तो ये रीजन है, देख रहे हो ना, एक इधर चला गया एक कहां चला गया इस तरफ। तो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशा नहीं होती, लर्न कर लो, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशा नहीं होती है, यही वजह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी कट नहीं करती है। ओके, ये था रीजन, क्या बताओगे, ये सब क्वेश्चन है बच्चों, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है बच्चों वो क्या करती है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन मैंने क्या बताया, रीजन ये है कि अगर कहीं पे कट करती है तो वहां पे कितनी दिशा होगी, टू डायरेक्शन होगा, जो कि क्या होता है इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ओनली वन डायरेक्शन होता है। ओके, 5-6 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटर्स वर्टिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इंटर्स वर्टिकली इन कंडक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर्स वर्टिकली इन कंडक्टर, यानी कि अगर आपके पास सपोज है कोई कंडक्टर प्लेट है, ये क्या है कोई कंडक्टर प्लेट मैंने बना दिया और यहां पे पॉजिटिव चार्ज बना दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ऐसे वर्टिकली निकलती है, इसके अंदर ऐसे जाएंगे इस तरीके से, देख रहे हो ना, तो ये परपेंडिकुलर होता है बच्चों, ये कोई भी अगर मैंने सरफेस बना देखो, यहां पे भी देख लीजिए ध्यान से, ऐसे मैंने एक सपोज देखिए सिलेंडर बना दिया, देखो ये वायर मैंने बना दिया, तो अगर यहां से इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज सपोज है जिसपे है पॉजिटिव पॉजिटिव पूरा पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसे इस तरीके से निकलते हैं, हमेशा कैसे निकलेगी वर्टिकली निकलती है, ये देख रहे हैं ना कैसे निकलती हैं वर्टिकली निकलती हैं। ये अगला कॉन्सेप्ट था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर्स वर्टिकली इन कंडक्टर, जो हमारी बाहरी क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर कैसे सपोज कैसे इंटर्स करती हैं परपेंडिकुलर, यानी कि 90 अंश पे। ओके, तो बच्चों क्या करिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए और एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 ये है बच्चों कि इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छे से इसको, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड लाइंस आर पैरेलल, यानी कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक समान है, यानी कि सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर है, सब जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बराबर है, तो उसको आप कैसे शो करोगे, तो बच्चों वहां पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे पैरेलल कर देना, देखो ध्यान से इस तरीके से, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म है। तो अगर आपका मैं एक पॉइंट यहां पे ए ले लूं, यहां पे क्या ले लूं बी, यहां पे क्या ले लूं सी, ए बी और सी, तो हर जगह पे ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू क्या रहेगा बी सी, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल दी गया आपको, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा हमेशा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, सेम है हर जगह। तो ये यूनिफॉर्म की बात होगी बच्चों। एट अगला है इन नन यूनिफॉर्म, इन नन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक समान नहीं है, असमान हो गया, तो यहां पे फील्ड लाइंस आर नॉट पैरेलल, ओके। तो देखो ध्यान से, ये देख रहे हो आप इस तरीके से कुछ डायग्राम देखना होगा, ठीक है। डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो अच्छा यहां पर जब डायग्राम इस तरीके से दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, इसमें तो पैरेलल कभी हो नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अलग अलग होगा। तो कैसे आप जान पाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे कम है, आपको दिमाग में टेंशन चलेगा ये, और कैसे पता चलेगा ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे ज्यादा है कहां पे कम है, कैसे पता चलेगा बच्चों, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगी, जहां पे क्लोज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जहां पे क्लोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो अब मैं बोलू यहां पे एक पॉइंट आप सपोज कर लो, यहां पे ए सपोज इट ए, यहां पे क्या बी, यहां पे क्या सी, तो आपको लग रहा होगा कि यहां पे पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बहुत क्लोज है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यहां पे क्या है थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, यहां पे कम, और यहां पे क्या होगा सबसे कम होगा, तो ए इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो बच्चों ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल के आ रही है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होती है, पैरेलल होती है, सब जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होता है। अगर मैं नन की बात करूं, नन में क्या होता है, हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, जहां पे क्लोज बहुत ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। जैसे यहां पे देखो ज्यादा क्लोज था, ज्यादा है, फिर उससे कम यहां, फिर उससे कम यहां, जैसे मैंने यहां पर राइट किया, ई इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ए सी। तो स्टूडेंट, इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल।
यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम क्या होता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। ओके, थैंक यू।